ओम शांति। अभी फिर से दिवाली आया है और दिवाली में हम सब इतने आनंद ही आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो दिवाली पर आप सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और दिवाली में अक्सर सब मिठाइयां बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं और ऐसे ऐसे मिठाइयाँ बनाते हैं जो खुशी का माहौल खड़ा हो जाता है। तो हम भी आपके लिए एक मिठाई का रूप लेके आए हैं, जिस मिठाई से आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और परमात्मा की याद में कैसे हम बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। और ऐसा ही फ्रूट बाउल भी हमने बनाने का लेके आए हैं, जिससे आपको देख के आपको घर में आप बना सकते हैं और आप सबको खिला सकते हैं और सभी खाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि परमात्मा की याद में कैसे बनाया जाता है और कैसे सभी को खुशहाली लेके आया जाता है वो आप सब देखेंगे। आपको सात्विक व्यंजन कैसे बनाया जाता है वो आपको हम दिखाएंगे, जिसमें पहले सबसे पहले उसका नाम है फ्रूट बाउल। और उसमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो आपको हम दिखाते हैं, ये है सबसे पहले पपीता डाला जाता है और केला डाला जाता है और मौसम्बी है और एप्पल और संतरा और डाड़म भी डाला जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर अंगूर भी खास पड़ता है उसके अंदर। और ऐसे भी ये फ्रूट बाउल ऐसा चीज है जो भी अपने अंदर घर में जो फल रहते हैं वो फल बच्चे लोग नहीं खा सकते हैं और ऐसे खाने में कंटाला करते हैं, तो ये फ्रूट बाउल ऐसा प्रोटीन है जिसमें सभी जो भी खाएंगे उनको अंदर ताकत भी मिलेगी और सात्विक भोजन के कारण वो इजी भी बनता है और जल्दी बनता है। तो आप सब तैयार है ना अभी फ्रूट बाउल बनाने का? कभी हम आपको विधि बताते हैं कैसे काट के करना है। तो ये फ्रूट जो है हमारे हाथ में है, इसका नाम पपीता है। पपीता को पहले धुलाई करने का, धुलाई करके पोंछ के फिर इधर रख के फिर इसको कटिंग करने का। तो सबसे पहले पपीता को जो काटने के बाद काटने का, ऐसे की कटिंग होती है, पपीता काट लिया ऐसी कटिंग करके उसका छिलका उतारने का, छिलका उतार कर फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करने के, टुकड़े करके फिर उस टुकड़े को हम जो है मिक्सर में ऐसे देखो इसे छिलका उतारने का, इसका पल निकालने का, फिर छिलका उतारने का, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के। जैसे अब हमने बाउल लिया, इस बाउल में छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसको हम मिक्सर में पीस ले। ने देखा पपीता कैसी कटिंग करना है, इसी प्रकार ये बनाना भी जो है उसको भी हम लोग जो है धुलाई करके रखा है, आप भी धुलाई करके रखिए, फिर ऐसे छिलका उतारिए उसका, फिर छिलका उतार कर फिर इसको भी हम जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसको हम जो है इकट्ठा एक बाउल में रख देंगे। फिर बाउल में रखने के बाद इसी प्रकार हम सारे जो भी फल है हमारे पास, तो जैसे एप्पल है, डाड़म है, मौसम्बी है, ये सब को हम लोग क्या करेंगे, कटिंग कर डालेंगे और कटिंग करके फिर छोटे एक बाउलों में अलग अलग रीति से रख देंगे। फिर रखने के बाद फिर जैसे हमने यहाँ पर रेडी रखा है, जैसे अभी टाइम आपका ना जाना चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया है, पहले से ही सब फल जो है काट के रखा है। तो आप भी ऐसी फल जो है सारा कटिंग करके और फिर कटिंग करके फिर कैसे आप पपीता को जो है वो हम मिक्सर में लेंगे। अभी हमने आपने सबने मिक्सर ले लिया घर में, तो सबसे पहले मिक्सर जो है आपके किचन में नजदीक में रहना चाहिए जिससे आप इजी से कर सको। तो अभी हमने पपीता जो है सबसे पहले पपीता काटा, तो उस पपीता को हम पहले मिक्सर में डालेंगे। मिक्सर के अंदर पपीता डाल दिया है, फिर उसके अंदर हमको 2 चम्मच शक्कर डालने का, स्वाद अनुसार जितना भी आपको मिठास अगर खाना है तो मिठास डालने का, मिठास नहीं खाना है तो मिठास नहीं डालने का। जरूरी नहीं है कि आप मीठा डालो, पर आपको जैसा सूटेबल हो इस रीति से आपको डालने का। इसी प्रकार पानी लेने का, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देने का जिससे आप मिक्सर चला सके। तो अभी हमने मिक्सर में डाल दिया है, अभी हम मिक्सर में पीसने जा रहे हैं। ऐसा हम पीस लेंगे
करने के बाद उसको हम जो है मिक्सर की बर्तन से निकाल के अपने एक बाउल में ले लेंगे और फिर हिला के, अगर समझो पीसा नहीं गया तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं उसके अंदर और थोड़ा सा आप शक्कर भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, और फिर आप जो है हिला के फिर अपने बाउल में ऐसे डाल देंगे। और इसको अगर आप छानना चाहते हो तो छान के भी उसका रस बहुत अच्छा लगता है, प्लेन रहता अच्छा। है तो अभी हमारा सब चीजें रेडी हो गया है, कटिंग करके सब रेडी हो गया है और ऐसा ही हमने पपीता को भी मिक्सर में पीस के उसका फल हमने रेडी कर दिया है। जैसे ये पपीता का फल है, ये पपीता का फल जो है हम ये बाउल में लेंगे, ऐसा पपीता का फल पूरा पहले से बना के रखेंगे। और पपीता के अंदर ऐसा ही सेम पपीता के अंदर आप बनाना भी ले सकते हैं फल बनाने के लिए, ऐसा और भी फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, पर पपीता का जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार हमने दाड़म काटा है तो इसके अंदर हम दाड़म डालेंगे, सारा एक दाड़म डालेंगे, फिर इसमें मौसम्बी डालेंगे, मौसम्बी का भी कटिंग करके रखा हुआ है, फिर ये एप्पल है, एप्पल डालेंगे हम इसके अंदर, और इसी प्रकार बनाना भी है तो हम बनाना भी डालेंगे इसके अंदर। तो इसी प्रकार हमारा जो है फ्रूट बाउल जो बनाना हमारा जो आज का व्यंजन था तो व्यंजन जैसे बनने आ रहा है। तो देखिए ये फ्रूट बाउल जो है हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कलर्स, दिवाली की कलर्स, दिवाली में जैसे अलग अलग कलर्स होते हैं ना, तो ऐसे ही जीवन के अंदर भी कलर्स भरने होते हैं। तो इसी प्रकार व्यंजन जो है परमात्मा की याद में अगर हम ये व्यंजन बनाकर अगर खिलाएंगे तो सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। देखा कैसे हम फ्रूट बाउल को एक बाउल में इकट्ठा कर लिया और इसी प्रकार देखो ऐसे रेडी हो गया, इसका नाम फ्रूट बाउल है। और इस फ्रूट बाउल को अभी हम जो है कैसे फिर पिरोसने का, परमात्मा की याद में फिर हमको ये पिरोसने का, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट है ये फ्रूट बाउल। और ये फ्रूट बाउल आप खाएंगे और जरूर अपने पास बनाइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको कैसा अच्छा लगा वो भी हमें बताइएगा। बहुत अच्छा ये फ्रूट बाउल परमात्मा की याद में हम सभी अभी खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।